देश में लोकसभा चुनाव के अंतर्गत अंतिम चरण का मतदान संपन्न हुआ। कुल 7 चरणों में हुए चुनाव में से देश की 542 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए, जिसके नतीजे आगामी 4 जून को आएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटें जीतने और फिर एक बार मोदी सरकार बनाने का दावा किया है। सीएम साय 400 पार के लक्ष्य को अचीव करने के लिए प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हैं। वहीं श्री साय ने कहा कि मुख्यमंत्री होने के नाते मेरा छत्तीसगढ़ के अलावा और दूसरे प्रदेशों में भी जाना हुआ है। मैं उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश भी गया हूँ। सभी जगह भाजपा के पक्ष में बहुत अच्छा वातावरण है। सभी लोग तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। के नाते हमारा छत्तीसगढ़ के अलावा और भी कई प्रदेशों में जाना हुआ। हम उड़ीसा गए, झारखंड गए, मध्य प्रदेश गए, तेलंगाना भी गए और सब जगह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा वातावरण है। सभी लोग तीसरी बार आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में तो हम लोग सभी सीट 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी को जीत के दे रहे हैं और जो हमारी पार्टी का नारा है, एनडीए का नारा है, अब की बार 400 पार, हमको लगता है निश्चित रूप से इसको अचीव करेंगे। मुख्यमंत्री के नाते हमारा छत्तीसगढ़ के